देश के नेता और सरकार कितने चिंतित हैं हमारे लिए। अरे लाखों किसान आत्महत्या करके मर गए, किसी भी नेता या सरकार के मुंह में से उफ और या आंख में से आंसू तक नहीं निकला। आज किसानों की इतनी चिंता हो गई कि कोविड-19 का बहाना लेकर ये हमें रोकने पर उतारू हो गए। अरे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूणी का दरवाजे का अगर नोटिस लगाया है सरकार ने कि यह रैली रद्द कर दो नहीं तो केस बनाया जाएगा, तो एक नोटिस किसानों की तरफ तो हम भी सरकार ने भेजा है। हम सरकार से अनुरोध करा हाँ कि हम कोई आतंकवादी उग्रवादी राम रहीम आसाराम को नहीं, हम मारी आवाज उठाने के खातर सरकार के कानना ताई पहुँचाने के खातर जो ये नए 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है इनका विरोध करने के लिए ही एक शांति प्रिय तरीके से हमने पहले भी 2 बार करके देखा है। सड़कों पर उतरे, ट्रैक्टर लेकर उतरे, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा ना तो हमारे बीच आया, ना हमारी बात सुनी, ना उसके ऊपर कोई चर्चा करने की कोशिश करी। और अब रैली क्या रखी, किसान रैली क्या रखी, भूचाल आ गया क्या? हम ये नहीं जानते ये कोविड-19 या इसका कोरोना महामारी का बहाना लेकर हमारी आवाज को दमन करना चाहते हैं, इतना प्रताड़ित करने की कोशिश करने लगे ये लोग। किस लिए चुनी जाती हैं सरकारें? देशवासियों की सुविधाओं के लिए, उनके सुख के लिए या उनकी आवाज को भी दबाने के लिए? क्या हम नहीं जानते देश के नेता और सरकार कितने चिंतित हैं हमारे लिए? अरे लाखों किसान आत्महत्या करके मर गए, किसी भी नेता या सरकार के मुंह में से उफ और या आंख में से आंसू तक नहीं निकला। आज किसानों की इतनी चिंता हो गई कि कोविड-19 का बहाना लेकर ये हमें रोकने पर उतारू हो गए। हम सरकार को आगाह कर रहे हैं हमें रोका ना जाए। अब किसान के सब्र की इतनी परीक्षा मत लो कि उसका सब्र का बांध टूट जाए। आज इस जिस कोरोना महामारी का बहाना लेकर ये रैली रद्द करवाने के लिए कह रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए उन सरकार के नुमाइंदों को, अमीरों को, रईसों को। जब इस देश के ऊपर इस महामारी का खौफ इतना जबरदस्त था तब तो सरकार ने नहीं रोका। बार बार यही कहा किसानों के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, किसानों के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। किसान खेत में भी खड़ा था, किसान मंडी में भी खड़ा था, किसान सड़क में भी खड़ा था। अगर इन अमीरों की तरह लॉकडाउन का पालन किसान कर लेता तो महामारी से तो पता नहीं देश मरता या ना मरता, लेकिन भूखे जरूर मर जाता। और आज उसी किसान को महामारी का डर दिखाकर उसका दमन करने की कोशिश की जा रही है। खुद सरकार ने और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, रईसों ने, पूंजीपतियों ने माना है कि इस महामारी के दौर में सिर्फ एक सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो ग्रोथ के साथ इस देश को ऑक्सीजन और सांस दे रहा था। बाकी सारे के सारे सेक्टर धड़ाम से नीचे, जीडीपी इतनी नीचे चली गई कि कुएं में झांक लें तो भी दिखाई नहीं देती, -24% लगभग। लेकिन किसान ग्रोथ के साथ माइनस नहीं, ग्रोथ के साथ इस देश को बचाए रखा, जिंदा रखा, सांस दिया, ऑक्सीजन दी। 3.4% ग्रोथ के साथ सिर्फ एक देश में एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था है जिसने इस देश को जिंदा रखा। और आज ये चंद नेता इस महामारी का बहाना लेकर किसान की आवाज को दबाना चाह रहे हैं। क्या करेगा किसान, कितने शांति प्रिय तरीके से जाएगा, अपना प्रदर्शन करेगा? अगर ये लोग नहीं मानने तो वो आगे की रणनीति बनाएगा। कितने नुमाइंदे हमारे बीच में आए, जितने भी सांसद हैं, हरियाणा में 10 सांसद हैं, और हम कहते हैं वो नमक हराम है सारे के सारे, क्यों नहीं आए वो किसानों के बीच? जब वोट मांगने आते हैं तो किसानों के बीच में रहते हैं 2 महीने, बाद में कोई किसानों की सुध नहीं लेता। किसान का नमक खा करके, किसान के साथ नमक हरामी का जो परिचय आज हमारे 10 सांसद प्रदेश के 10 सांसदों ने दिया है, वो परिचय शायद ही कोई दे सकता है। कितनी बार आज 2 महीने से किसान सड़कों पर है इन अध्यादेशों के विरोध में, कितने सांसद गंभीर हैं, ये दिल्ली दरबार के गुलाम हैं और कुछ नहीं है। ये इतने स्वार्थी लोग हैं 10 के 10 कि इन्हें अपनी पेंशन, तनख्वाह, सुख सुविधा, बाकी दिल्ली दरबार के 2-3 मुखिया इनकी चलने नहीं देते। ये हैं भी इसी लायक। अगर आज ये किसान के साथ खड़े होते और 10 सांसद ये बोल देते सरकार को या बड़े
बड़े प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को किसानों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, तो उनकी इतनी औकात है कि जबरदस्ती WTO के या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में किसानों के ऊपर ये इतने खतरनाक वायरस रूपी अध्यादेश थोपे जाते हैं। शर्म करो कुछ तो, अब किसान की इतना इम्तिहान मत लो, हमें करने दो। और ये नोटिस अड़ंगे अड़ाने की कोशिश की इस रैली में तो ठीक नहीं होगा। आज दबा कुचला किसान बाहर निकल रहा है, उसको कोई फोबिया नहीं हुआ है, वो सड़कों पर उतरे, वो रैली करे, खर्चा भी लगता है, वक्त भी बर्बाद होता है, लेकिन उसको अपनी भावी पीढ़ियों का और वर्तमान पीढ़ी का अंदेशा है कि पूंजीपतियों के हाथों में हमारे नाक में नकेल डाल करके पकड़ाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है देश के किसान को। देश का किसान इस देश की रीढ़ है, ये सिद्ध करके दिखाया इस महामारी के दौरान भी किसान ने, और आप उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हो। चेतो सरकार वालों, चेतो, नहीं तो भयावह परिणाम हो सकते हैं आने वाले वक्त में। पता नहीं किसान कितने लोग आत्महत्या करके मरेंगे, और इस माँ बाप से बचो और हमें ज्यादा कुरेदने की कोशिश मत करो। बस यही संदेश सरकार के लिए देना चाह रहा था भाई। और दूसरी बात, किसान साथियों, हमें बिल्कुल ओशो आवास में शांति प्रिय तरीके से हमें इस रैली में जाना है, और कोई भी ये कोशिश करे, अगर ये सरकारें हमेशा उसको तोड़ने की कोशिश करती हैं, मीडिया में उलझुल खबरें चलाई जाती हैं, वो ये गया, वो भाग गया, ये किसान इकट्ठे नहीं है, संगठित नहीं। अब हम सब संगठित हैं, हम एक दूसरे पर विश्वास करके बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे और घर वापस आएंगे। अपनी अपनी जिम्मेवारी, अपना अपना ख्याल रखना भाइयों, धन्यवाद। 10 सितंबर पीपली कुरुक्षेत्र, ये किसान के भविष्य की नींव रखी जाएगी कि बर्बाद होना है या आबाद, ये परीक्षा है किसान की। धन्यवाद साथ।